दिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। केजरीवाल को ईडी का सातवां समन, शराब घोटाले मामले में ईडी ने फिर भेजा है समन। ईडी ने 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बड़ी खबर आपको बता रहे, शराब घोटाले के मामले में लगातार ईडी का शिकंजा कस रहा है और देखिए केजरीवाल को ईडी का ये सातवां समन, शराब घोटाला मामले में ईडी ने फिर से भेजा है समन और 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बताते चले कि केजरीवाल एक बार भी ईडी के समन में पेश अभी तक नहीं हुए समन भेजे जाने के बाद, और ये देखिए सातवां समन जो है वो भेजा गया है और अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज किया है और गैर कानूनी बताया है और केजरीवाल को ईडी का ये सातवां समन। सुरेश झा इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेश, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है, एक बार फिर से ईडी ने केजरीवाल को सातवां समन भेजा है। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको भेजे गए, लेकिन समन पर वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। वो लगातार कह रहे हैं कि उनको जो भेजा गया जो समन है वो संवैधानिक है, उनको समन नहीं किया जा सकता है। और एक बार फिर से ईडी ने सातवां समन भेजा है, उनको सोमवार को बुलाया पूछताछ करने के लिए सुबह। लेकिन अब देखना यह है कि इस सातवें समन को भी कितने गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ईडी जो है लगातार पूछताछ करना चाहती है आबकारी मामले को लेकर, क्योंकि आबकारी मामले में अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है इसमें कुछ और खुलासे करने, तो ईडी चाहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बकौल उनसे पूछताछ किया जाए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन वो पूछताछ से लगातार बचते चले आ रहे हैं, छह से समन भेजे जाने के बावजूद भी वो उन्होंने अभी तक पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। इस बार फिर से बात को समन किया गया है, सातवां समन किया गया है। अब सब यही देखना है कि उस सातवें समन को भी गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं। जी ठीक है, चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें।